हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत प्रताप सिंह एंड टीचिंग इंग्लिश फॉर क्लास 8. यू नो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी न्यू चैप्टर एंड द फर्स्ट चैप्टर आल्सो, दैट इज नाउन. ओके, सो हियर यू नो दैट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस ऑफ थिंग्स, आइडियाज एंड ग्रुप्स. ओके, वन मिनट प्लीज. यस, लेट अस रिवाइज द कॉमन प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन. ओके, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेज और थिंग्स. बेटा ये जनरल नेम होते हैं, आम नाम होते हैं बेटा. दीज नेम्स आर कॉमन टू एवरी वन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, जैसे कि कॉमन नाउन टीचर ले लेते हैं, टीचर. तो टीचर, तो टीचर एक, हम सिंपली कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है हु टीचेस और हु टीच. सो अब इसमें कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, सर भी हैं, मैम भी हैं. तो कॉमन नाउन जो क्या है, बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर ग्रुप, तो हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे. फिर प्रॉपर नाउन देखते हैं. प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. ये स्पेसिफिक नेम होते हैं लोगों के. ओके, फिर देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये abstract nouns are the names of feelings and ideas. They are things that can be experienced or felt but not seen or touched. abstract noun feelings or ideas ko kya karte hain, unke name hote hain. inhe sirf mehsoos kiya ja sakta hai bete, lekin feel or touch nahi kiya ja sakta. theek hai, fir iske baad bataya ja raha hai collective noun. कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर ए ग्रुप और सेट ऑफ एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट. तो कलेक्टिव नाउन होता है, ये जो है एक सिंगल यूनिट की तरह यूज होता है. जैसे कि फैमिली में देखो आप कितने मेंबर होते हैं, 5, 6, 8, 10, 20 ऐसे मेंबर होते हैं, लेकिन फैमिली को एक सिंगल यूनिट मानते हैं बेटा. समझ पा रहे हो? ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ द गिवन कलेक्टिव नाउन्स. इस एक्सरसाइज को तो सॉल्व करेंगे. अभी तक जो हम लोगों ने नाउन पढ़े, आप इनको नोट बुक पर लिखेंगे और सबका एक एग्जाम्पल अपने नोटबुक में लिखेंगे, फिर इनको लर्न करेंगे. सैटरडे को चेक भी करवाएंगे. इन केस कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़, तो प्लीज़ मुझे बताएं. ठीक है, फिर देखते हैं. फिर इन द ब्लैंक्स में कलेक्टिव नाउन फिल करने हैं. जैसे कि द ऑफ कैटल मूव स्लोली टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द हर्ड ऑफ कैटल. ठीक है, वी आर फैसिनेटेड बाई द डेडिकेशन विद विच द प्रैक्टिस फॉर द कंसर्न. तो ऑर्केस्ट्रा. ओके, थर्ड ऑफ थीव्स इंटर्ड द डिजर्टेड हाउस लेट एट नाइट. तो क्या हो जाएगा, अ गैंग ऑफ थीव्स. तो मतलब ये हमें डिसाइड करना होगा, समझना होगा कि कौन सा नाउन किस फ्रेज के साथ जुड़ता है. जैसे यहाँ पर दिया है आ गैंग ऑफ थीव्स, तो थीव्स के साथ गैंग ही लगाएंगे, आर्मी नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना और समझना होगा, तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो आप ये एक्सरसाइज नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और बाकी क्वेश्चन आप कर लेना. इनकेस कोई दिक्कत आती है तो हमें बताएं आप. ठीक है, तो हम पूरी एक्सरसाइज के आंसर आपको बता देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.